कि मतलब ये कोई राजनीतिक शिकार हुआ आपका बेटा? मैं ये तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सब सबूतों के आधार में कि मेरे बच्चे को राजनीतिक शिकार भी माना जा सकता है। मेरे बच्चे को क्या कालशेखर हॉस्पिटल का डॉक्टर दे सकता है? उसकी जो भी है, उसकी माँ की आज बिस्तर में पड़ी है, उसकी माँ की जो पीड़ा है, जो उसका वो है गम, उसको दे सकते है? ये तो बोल दिए कि हमारी गलती हो गई, कालशेखर हॉस्पिटल में ही उसका खून पूरा निकल गया, बाद में खून चढ़ाने से थोड़े बच्चा जिंदा होगा। साथ में ये मुझे एक पत्र मिला जो इसमें कुछ भी नहीं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं, ये बहुत बड़ी बेशर्म की बात है और बहुत शर्म की बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। और मेरे बच्चे का जो ये जान ली गई, इसका कालशेखर का ये डॉक्टर जिम्मेदार है। लोगों को हम लोग नौकरी से निकाल दिए, टर्मिनेट किए, हमने ये डिसीजन लिया कि हमारा आदमी गलत किया। नमस्कार, मैं सरोज हाशमी। हमने आपको पहले ही कुछ तस्वीरें दिखा चुके हैं, हम आगे भी दिखाएंगे, लेकिन आज हमारे देश में सड़क हादसा, रोड एक्सीडेंट आम हो गया है। कुछ तो ड्राइवरों की गलती के कारण मौत का कारण बनता है और ज़्यादातर सड़कों के गड्ढों को लेकर मौत का कारण बनता दिखाई देता है। लेकिन इस तरह के हादसे से प्रशासन पर सवाल खड़ा होता है। पिछले दो हफ्ते पहले सिलफाटा में मोहम्मद आसिम की एक्सीडेंट में मौत हुई थी, जिसको लेकर जावेद सिद्दीकी जो पिताजी हैं वो हमारे स्टूडियो में आज मौजूद हैं, लेकिन उनका कहना है हमारे बच्चे की कालशेखर हॉस्पिटल में लापरवाही के कारण मौत हुई है, जिसको लेकर इस मामले में कई जगहों पर पत्र व्यवहार किया है। हम उनसे पूरी जो है जानकारी लेंगे कि आखिर ये मौत किस कारण हुआ है, किसकी लापरवाही से हुआ है, क्या कारण रहा है इस पूरी मामले को लेकर हम आज उनसे बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले आप बताइए, आपको पूरा मुमरा जानता है, जो है हर विवादों में आप जो है आगे रहते हैं, न्याय दिलाने की कोशिश करते हैं, लेकिन पिछले दो हफ्ता पहले जो आपके बेटे के साथ घटना घटी है, एक्सीडेंट का जो मामला सामने आया और उसके बाद आपके बेटे की मौत हो गई, और आपने जो है कई लोगों पर आरोप लगाया है, जैसा कालशेखर हॉस्पिटल पर जो है आपने आरोप लगाया है, क्या ऐसी मतलब वजह है जो मतलब आपने आरोप लगाया है? मैं सबसे पहले प्रहार न्यूज को बधाई देता हूं और स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं कि आपके न्यूज के माध्यम से जो मुमरा नहीं पूरे महाराष्ट्र में जो सामाजिक काम के लिए आवाज़ उठा रहे हैं, मैं उसका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूं। रही गई बात यह है जो आपने सवाल किया है कि कालशेखर हॉस्पिटल ने के ऊपर आपने जो आरोप लगाया है कि मेरे बच्चे की जान कालशेखर हॉस्पिटल के वजह से हुई है, तो मैं तफसील से आइए बताना चाहता हूं आपको। मेरे अजीज दोस्तों, मेरे भाइयों, हर समाज के लोगों से मेरी ये गुजारिश है कि अगर इस आवाज़ को हम आज बुलंद नहीं करेंगे, इसकी लड़ाई नहीं लड़ेंगे, तो इंशाल्लाह इसी तरह हॉस्पिटल की लापरवाही, डॉक्टर की लापरवाही से और उस समाज के ठेकेदारों की वजह से ऐसे जान जो जाती रहेंगी। हमें न्यूज के प्रहार के माध्यम से हमें ये एक जो इस बारे में चर्चे चालू है और जो न्यूज के माध्यम से आपको बता रहे हैं, मैं सही तफसील से बात करना चाहता हूं। मैं काफी दिनों से मुमरा के उन राजनेताओं के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर करता रहा और माननीय उच्च न्यायालय ने उसको बहुत बारीकी से जांच कर उन राजनेताओं का नगर सेवक पद रद्द किया गया। और मुझे आज ऐसा मालूम पड़ा, जिस वक्त मैं कल पेटी केयर हॉस्पिटल से मेरे बच्चे का सर्टिफिकेट लेने गया, तो उस वक्त में मुझे एक पत्र मिला। वो पत्र ये है कि हॉस्पिटल कालशेखर का जो डॉक्टर था, वो डॉक्टर की लापरवाही से मेरे बच्चे की जान गई। ये मैं दावे के साथ कहता हूं
कि इसके ऊपर किसी न किसी का हाथ है मेरे बच्चे की मृत के बारे में। कालशेखर पर आप आरोप लगा रहे हैं या और किसी पर आरोप लगा रहे हैं? मैं ये बताना चाहता हूं, तो ये डॉक्टर जो है 26 तारीख को जब पुलिस ने एक पत्र दिया हॉस्पिटल को कि ये जो हासिन नाम का पेशेंट जो है 15 तारीख को आपके हॉस्पिटल में एडमिट हुआ है, आप इसकी पूरी जानकारी दें, कौन डॉक्टर था, इसका क्या ट्रीटमेंट है, तो ये उन्होंने जवाब न देते हुए मैं कल उनके पास जब केटी केयर से सर्टिफिकेट लेके आया, उस सर्टिफिकेट में इनका जो पत्र था उस पत्र में ना एम्बुलेंस का नाम है, ना कोई तारीख है, ना बच्चे का कोई पल्स है या बच्चे की कोई ट्रीटमेंट का कोई नहीं, ऐसा ही उसको यहाँ से भेज दिया गया। जब उसको हॉस्पिटल में लाया गया तो वो डॉक्टर जो है, डॉक्टर का नाम जो है डॉक्टर मुशीर आलम करके हैं, जो वह बहुत डेसिंग है, काफ़ी लोगों का इल्ज़ाम है कि वो डॉक्टर हमेशा वहाँ पे अच्छे लोगों से बात नहीं करता और ऐसा करता था। ये जो मैं बता रहा हूँ, ये डॉक्टर को कालशेखर हॉस्पिटल से टर्मिनेट किया गया, डॉक्टरी से वहाँ से हटाया गया, और इसने अगर इंसानियत होती डॉक्टर का तो एक बाटल अगर मेरे बच्चे को खून चढ़ाते तो शायद मेरा बच्चा आज दुनिया में जिंदा रहता। जब सारा खून उसका हॉस्पिटल में ही निकल गया, पैसे की लालच में वो खाली बैंडेज भी नहीं किया था, लास्ट में बैंडेज किया, न उनके पास हॉस्पिटल में न कोई इमरजेंसी कोई अच्छा डॉक्टर था, न इनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट था, न खून चढ़ाने का इंस्ट्रूमेंट था। तो मैं इनको ये बताना चाहता हूँ यहाँ की जनता को कि हर आदमी अपने जान के लिए बचाने के लिए जब हॉस्पिटल जाता है तो कुछ आस लेके जाता है कि यहाँ पे हमारा इलाज होगा, हमारा कुछ बच्चे का हो या माँ का हो या बेटे की जान बचे, लेकिन ऐसे जो डॉक्टर लोग हैं पैसे के लिए जो किसी के जान से खेल रहे हैं, ऐसे लोगों को मैं जरूर पनिशमेंट कराऊंगा और PI दाखिल करूंगा, और मेरे बच्चे का जो ये जान ली गई इसका कालशेखर का ये डॉक्टर जिम्मेदार है। मेरा बच्चा अगर वहाँ पे गया था तो उनको कम से कम ब्लड नहीं, ब्लड जा रहा था पहले। देखो सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास आदेश है, सुप्रीम कोर्ट का मेरे पास आदेश है, मैं मुमरा के सभी हॉस्पिटल वालों को इस न्यूज के माध्यम से बताना चाहता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, चाहे वो कोई एक्सीडेंट का केस हो या किसी लड़ाई झगड़े का केस हो या और कोई केस हो, अगर वो उसकी पहले जान बचाया जाना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। लेकिन ये सुप्रीम कोर्ट के आदेश को भी न मानते हुए ऐसे डॉक्टर लोग जिंदगी से खिलवाड़ कर रहे हैं। सुन लो मेरे डॉक्टर लोग, अगर तुम डॉक्टरी करना है, पैसा ही कमाना है, तो खुदा की कसम बहुत से रास्ते हैं, आप जाइए, ये ढोंग मत करिए। फिलहाल सबूत क्या है आपके पास जो है उस कालशेखर हॉस्पिटल के खिलाफ, उस डॉक्टर के खिलाफ, और जो आपके बेटे के साथ जो है जो सही टाइम पर सही ट्रीटमेंट नहीं दिया गया, बात जो है कि आप वो बताइए। सबूत मेरे पास ये है, जिस वक्त मेरा बच्चे को हॉस्पिटल लेके गया कोई भी, तो वहाँ पे इसका जो MLC है होता बनता है, तो ना तो उसमें तारीख पड़ी, ना तो उसका कोई ट्रीटमेंट का है, और ना कोई एम्बुलेंस का है कि इंतजाम करके कहीं भेजा गया, यानी सब लापरवाही पूरी इसमें दिख रही है। और जब मैं ये कंप्लेन किया तो हॉस्पिटल के जिम्मेदारान ने उन डॉक्टरों को टर्मिनेट ये पत्र दिया। कालशेखर हॉस्पिटल के जो जिम्मेदार हैं उनसे आपसे कब बात हुई है? कल मैं गया तो कब मेरे को जब मालूम पड़ा कि मैंने जब उनको बात किया कि भाई 26 तारीख को आपके इधर जो है पुलिस ने पत्र दिया, आप उसका जवाब नहीं दिए, तो उन्होंने ढूंढने लगे तो बोलते हमारे इधर है ही नहीं है,
पत्र हमको मिला ही नहीं है। तो देखो इतनी बड़ी लापरवाही, तो वहीं से मुझे शक हो गया कि कहीं ना कहीं इसमें मेरे बच्चे के जान के पीछे, मौत के पीछे ये डॉक्टर का भी हाथ है। कैसे आप कहेंगे डॉक्टर का हाथ है? मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर गलती नहीं होती उनके हॉस्पिटल से उसको टर्मिनेट लेटर नहीं दिया जाता, ये मेरे पास सबूत है। मतलब फिलहाल उन्हें निकाल दिया गया है? निकाल दिया गया है, और ये मेरे पास सबूत है कि हॉस्पिटल ने मान किया है कि हमारा डॉक्टर गलती से और उस बच्चे की जान गई है। इसके बाद जो है जावेद भाई, आगे आप क्या करने वाले हैं? उस डॉक्टर के नाम पे, हॉस्पिटल पे जो काम करते हैं उनके ऊपर, और PI दाखिल करूंगा मैं हाईकोर्ट में जाके कि अगर इतनी बड़ी जो बिल्डिंग बनी हुई है वो खाली बिल्डिंग बनाकर अगर पैसा कमाने का एक जरिया बनाया गया है किसी ट्रस्ट के जरिए, तो बहुत बेशर्मी की बात है, बहुत शर्मी बेशर्मी की बात है। मैं तो बोलना और बहुत कुछ चाहता था लेकिन नहीं बोल रहा हूँ। कानून के तहत आप जो है कानून के दायरे में आप चले जाते हैं, उस पर मांग करने लगते हैं। लेकिन बहरहाल यहाँ पर हमें भी जो है अफसोस है कि आपके बेटे के साथ जो है ये घटना घटी है, जो आपके बेटे की डेथ हो चुकी है, लेकिन एक ही हॉस्पिटल बचा है मुमरा में, अगर आप उसी के पीछे लगेंगे। देखो मैं यहाँ पे किसी के पीछे पड़ नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरे पास कम से कम 20 से 25 लोगों का कंप्लेन है जो ऐसे हादसे हुए। जब मेरे जैसे आदमी के साथ में इतना बड़ा हादसा हो सकता है तो और गरीब जनता के साथ कितने हो गया होगा। तो इसलिए मैं जो लड़ाई लड़ रहा हूँ वो सभी के लिए लड़ रहा हूँ, ताकि कालशेखर हॉस्पिटल में जो काम करने वाले डॉक्टर है वो सही ढंग से ट्रीटमेंट करें, ताकि ऐसे जो लोगों की जान जाती है लापरवाही से उनकी जान ना जाए। तो इसलिए मैं इस मुद्दे को आगे उठा रहा हूँ, और जो उन लोगों को भी मैं बताना चाहता हूँ, और मैं पूरी इंक्वायरी की मांग भी की हूँ, इंक्वायरी भी चालू है। खुदा की कसम अगर मालूम हो गया कि मेरे बच्चे को उसमें किसी राजनेता का हाथ है कि इलेक्शन से 5 दिन पहले एक्सीडेंट होता है। जावेद भाई एक बात ये मुझे बताइए कि जब एक्सीडेंट हुआ था आपके बेटे की, इलेक्शन से आप बता रहे 4 से 5 दिन पहले जी, उसके बाद से लेकर हॉस्पिटल से लेकर जो है आगे तक आपने जो है कहां कहां जो है पत्र व्यवहार किया और क्या क्या इंक्वायरी निकल के आई, एक्सीडेंट कैसे हुआ, इस पूरे मामले में आप बताइए। RTO का रिपोर्ट है कि गाड़ी को पीछे से ठोकता है, तो मेरा बच्चा तो चला रहा था ऐसा स्टेटमेंट में है, तो पीछे वाले को लगना चाहिए, और जब गाड़ी आगे से ठोकता है तो बेटा ट्रक के नीचे आना चाहिए। जब ट्रक के नीचे आएगा तो टायर चढ़ेगा, उसका सर फूटेगा, पेट फटेगा, सर में चढ़ेगा। लेकिन ये बहुत बड़ी मुद्दे की बात है, सुबह देखते हैं जो गाड़ी मेरे बेटे की थी वो गाड़ी वहां से गायब कर दिया गया, पुलिस के पास भी नहीं। मैंने फिर उसको जो है इंक्वायरी निकाल के 4 दिन 5 दिन के बाद वो गाड़ी वो आगे सिल फाटा के वो रास्ते में वो मिली। तो सबब का वो बच्चे का जो मोबाइल है उस मोबाइल को भी मैंने पुलिस को हैंडओवर करने वाला हूं कि उस नंबर में किसके किसके फोन आते थे, उसको क्यों बुलाया गया, वो सब सामने पिक्चर आ जाए। जिस वक्त एक्सीडेंट हुआ उसमें साथ में और भी कोई था? कई लोगों थे, लेकिन उनका कहना है कि हम लोग आगे निकल गए थे, ये 2 लोग थे, और जब ये गिर गए तब हम लोग भाग के आए, इसको हॉस्पिटल लेके गए, ऐसा स्टेटमेंट उन्होंने दिया। कानून कायदे में आएंगे तो पूरी इंक्वायरी साफ होगी। लेकिन एक्सीडेंट हुआ और उसके बाद जो है रोड एक्सीडेंट, मतलब जो है ट्रक ने, ट्रेलर था या ट्रक था जो भी था उसने जो है आपके बेटे को एक्सीडेंट किया, उसके बाद आप जो है कालशेखर पर आरोप लगा रहे कि उनके वजह से डेथ हुई हमारे बच्चों की, वो क्या है? मैं देखो अभी तक कुछ नहीं बोला था। जब मैंने अपने बेटे का डेथ सर्टिफिकेट लेके आया और क्रिटिकेयर गया, क्रिटिकेयर से मैं बोला भाई मुझे सर्टिफिकेट दो, मेरे बच्चे की क्या मौत हुई किस चीज से और क्या इलाज जो है कालशेखर हॉस्पिटल ने किया है और आपके पास भेजा है, तो उसके साथ में ये मुझे एक पत्र मिला जो इसमें कुछ भी नहीं, ये कोई जिम्मेदारी नहीं, ये बहुत बड़ी बेशर्म की बात है और बहुत शर्म की बात है, इसमें कुछ भी नहीं है। और वो सर्टिफिकेट मैं लेके आया, जब देखा तो फिर मैं कल हॉस्पिटल में गया कालशेखर में कि भाई 26 तारीख को आपको पुलिस ने पत्र दिया था ये एक्सीडेंट के बारे में, आपने जवाब पुलिस को क्यों नहीं दिया? तो उन्होंने कहा कि भाई ये हमने देखकर हमारे लोगों को हम लोग नौकरी से निकाल दिए, टर्मिनेट किए, हमने ये डिसीजन लिया कि हमारा आदमी गलत किया,
ये तो सिद्ध हो गया, साबित हो गया कि मेरे बच्चे को लापरवाही से जान गई। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये कागज कहता है। रिपोर्ट में क्या आया? रिपोर्ट में ये आया है कि उसको सर में मार लगने से उसका डेथ हुआ है, और पीएम रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है, वो भी आएगा इंशाल्लाह पीएम रिपोर्ट में, और सब सामने सच आ जाएगा। तो जावेद भाई, इसके आगे आप करने वाले क्या है? बल्कि आप यहीं तक सीमित रहेंगे पत्र व्यवहार तक, या और भी कहीं तक आप जाने वाले? मेरा मुमरा के अंदर आपको मालूम है कि मैं जब कोई चीज लड़ाई लड़ता हूँ तो समाज के लिए लड़ाई लड़ता हूँ। मैं बैनर और फोटो और इसमें नहीं लड़ाई लड़ता हूँ, मैं समाज के लिए काम करता हूँ और करता रहूँगा। ये तो मेरा बच्चा आज गया, और मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसके बाद में कोई दूसरा आदमी ऐसा ना हादसा का शिकार हो जो मेरा बच्चा हुआ है। मेरे बच्चे को क्या कालसेकर हॉस्पिटल का डॉक्टर दे सकता है? उसकी जो भी है, उसकी माँ की आज बिस्तर में पड़ी है, उसकी माँ की जो पीड़ा है, जो उसका वो है गम, उसको दे सकते हैं? ये तो बोल दिया कि हमारी गलती हो गई। अरे तुम्हारे पास इतना बड़ा हॉस्पिटल है, नाम है हॉस्पिटल का कालसेकर हॉस्पिटल। मैं सलाम करता हूँ आप लोगों को कि आप लोगों ने गरीब जनता के लिए हॉस्पिटल खोला, लेकिन वहाँ जिम्मेदार कोई ऐसा डॉक्टर नहीं किया। आपके पास बहुत सारे पुरावे हैं, वो तो ठीक है, आप बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में जाऊंगा, यानी कोर्ट का दरवाजा आप खटखटाएंगे, लेकिन प्रशासन शासन प्रशासन से क्या मांग है आप? शासन प्रशासन से मेरी ये मांग है कि ये जो हॉस्पिटल जो भी है, चाहे वो सिविल हॉस्पिटल हो, चाहे कालसेकर हॉस्पिटल हो, बहुत से हॉस्पिटल हैं, मैं जहाँ तक देखा हूँ कि वहाँ पे सब जो डॉक्टर होते हैं वो सब थाना से आते हैं। कोई ऐसा कोई डॉक्टर नहीं परमानेंट रहता है कि वो कोई इमरजेंसी में किसी की जान बचा सके। तो इसके लिए मैं शासन प्रशासन से मांग ये करूँगा कि अस्पतालों में हर चीज़ की सुविधा होना चाहिए, जैसे खून चढ़ाने की व्यवस्था होना चाहिए, और MRI की मशीन होना चाहिए, और डॉक्टर उसका एनुअल होना चाहिए। क्योंकि हर हॉस्पिटल में मैं देखा हूँ कि सब कॉन्ट्रैक्टर बेसिस पे रहते हैं, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस में उनको भी जो है पैसा दिया जाता है, वो लोग आते नहीं है ताकि वो प्राइवेट में जाएं। ये सब बिजनेस बना लिया गया, धंधा बना लिया गया। इसलिए मैं इस काम को आगे तक लेके जाऊंगा, और सारी जनता को इसके लिए जो फायदे हैं उसको होना चाहिए। और हमारी एक गुजारिश ये है कि जब जब ये मेरे साथ हादसा हुआ, एक कुछ राजनेताओं की वजह से इसके पहले मेरे ऊपर भी जानलेवा हमला हुआ था। इसके पहले किस तरह से हमला हुआ था? अब इसमें आप किस तरह से मतलब देख रहे हैं? अब ये तो घटना है आपका, ये तो एक्सीडेंट, रोड एक्सीडेंट का मामला है। मुझे आप जो है दूसरी बात कर रहे हैं, मतलब जैसा कि आप कह रहे हैं कि मेरे साथ जब जब हादसा हुआ, ये क्या है? मैं इसलिए इस बात को यहाँ उठा रहा हूँ कि जब भी मैंने ये जब देखा हूँ RTO की रिपोर्ट, ये कालसेकर की रिपोर्ट, KT Care की रिपोर्ट जब मैंने देखा, तो मुझे एक ऐसा हुआ कि मेरा 18 तारीख को मेरी वहाँ पे कोर्ट ने कमेटी के पास तारीख दिया था, 18 को मेरा वहाँ पे तारीख का नोटिस आया था, वहाँ जाना था। तो मेरे को ऐसा लगता है कि जब जब मैं कुछ हूँ तो मुझे जो है टारगेट किया गया है। इसके पहले भी 2014 में जिस दिन मैं सुप्रीम कोर्ट गया वो नगर सेवक के खिलाफ, तो उसी दिन मैं जब जुमा हुआ उस दिन मेरे ऊपर जानलेवा हमला हुआ, उसमें जो है मेरे ऊपर झूठा FIR दर्ज किया गया था। लेकिन जावेद भाई, एक्सीडेंट और जो है राजनीतिक से मामला क्या है? ये समझाइए आप, मतलब आप जो बता रहे हैं कि आपके बेटे की रोड के मतलब एक्सीडेंट में हुआ मौत, उसके बाद जो है आप जो है राजनीति मिला रहे हैं, ये मतलब कैसा? मुझे ये शक जब से हुआ कि जब ये हॉस्पिटल में ऐसा कारनामे हुए, हाँ, और जब मेरे बच्चे की गाड़ी वहां से गायब हुई, मेरे तक सबूत मिटाने की कोशिश पूरा किया गया था, वो 5-6 दिन के बाद वो गाड़ी मिली कहाँ पे, पुलिस उसको भी नहीं मतलब पाई। कहने के मतलब ये कोई राजनीतिक शिकार हुआ आपका बेटा? मैं ये तो यही कहना चाहता हूँ कि ये सब सबूतों के आधार में कि मेरे बच्चे को राजनीतिक शिकार भी माना जा सकता है, और इंशाल्लाह ये सब इंक्वायरी चालू है, और ये भी सामने पूरी जनता के सामने मैं लाने वाला हूँ। 2014 में जानलेवा हमला हुआ, उसमें कमिश्नर दो मेरे ऊपर झूठे मेरा रिवॉल्वर का लाइसेंस निलंबित किया, उसके लिए फॉरेंसिक रिपोर्ट भी जो आई उसमें भी मेरा रिवॉल्वर नंबर नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं जो है
लोग जो है मुझे हर तरह से टारगेट करने की कोशिश किए हैं अभी तक, लेकिन मैं हारा नहीं हूँ। मैं कानून पे पूरा भरोसा रखता हूँ और कानून के तहत मैं इंशाल्लाह ये चीज भी यहाँ की मुमरा के जनता के सामने सब खुलासा करूंगा। जावेद भाई, एक तरफ आपका बेटा जो है एक्सीडेंट होता है, फिर आप कहते हैं कि जो उसमें राजनीति हुई है, हो सकता है राजनीति का शिकार हुआ है आपका बेटा, फिर दूसरी तरफ आप कहते हैं कालसेकर हॉस्पिटल के मतलब कुछ तकनीकी कारण या डॉक्टरों की लापरवाही के कारण जो है आपके बेटे की डेथ होती है, ये क्या है, मतलब किस पर आप मतलब निर्भर है? मैं इस पर ये निर्भर हूँ कि जब जब मेरे ऊपर ऐसे हालात पैदा हुए तो उस हालात को मैंने बड़े गौर से बारीकी से देखा तो सब झूठा मेरे ऊपर किया गया है। तो जब ये कालसेकर का पत्र मिला मुझे और जब पुलिस को 26 तारीख का पत्र का जवाब नहीं मिला और जब बच्चे की गाड़ी वहां से गायब हुई, तो मुझे ऐसा लगता है कि दुश्मनों ने जब कानून से जीतना मेरे से नहीं पा रहे तो कहीं ना कहीं कोई षड्यंत्र रचा गया होगा। कालसेकर की जो लापरवाही इसलिए है कि डॉक्टर वहाँ पे जो था वो एक गैर जिम्मेदार आदमी था, उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं था और मेरा बच्चा दूसरे चारपाई में पड़ा था, उसके लिए पैसे के लिए लड़ाई लड़ रहे थे किसी से। जब मैं वहाँ पहुँचा तो वो डॉक्टर चिल्लम चाली, ए कौन है, ऐसा बात करा। वहाँ पे मैं पूछा हॉस्पिटल में जो दूसरा लड़का किधर है, बोला वो लेके गए दूसरे गाड़ी से। अब मेरी बच्चे की गाड़ी लेने के लिए कोई वहाँ एम्बुलेंस नहीं थी, एक एम्बुलेंस जो डोमेवली की थी वो डोमेवली की एम्बुलेंस को मैंने लेके वहाँ भागा, लेकिन जब वहाँ गया बच्चे को 2 ग्राम खून खानी बचा था शरीर में, 2 ग्राम, यानी मेरे बच्चे को कालसेकर हॉस्पिटल में ही उसका खून पूरा निकल गया। बाद में खून चढ़ाने से थोड़े बच्चा जिंदा होगा, सर के जितने दिमाग के कीड़े थे सब मर गए खून बगैर, तो खून चढ़ा के कैसा जिंदा होगा आदमी। तो कालसेकर में ना तो इनके पास कोई डॉक्टर सही ढंग का है, ना उनके पास एम्बुलेंस जगह भी रहती है, जब भी कोई भी होता हमारे पास तो है एम्बुलेंस, वो नहीं थी, बाहर गई थी, मतलब उनका कहने का मतलब ये हो जाता है उससे निकल जाते। लेकिन मेरे पास ये सबूत बहुत पक्का है जो डॉक्टर ने मेरे बच्चे के साथ किया है कालसेकर हॉस्पिटल में। मैं इस सबूत के आधार पे इंशाल्लाह FIR 1-2 दिन के अंदर मैं दर्ज कराऊंगा और मैं हाई कोर्ट में भी इसके खिलाफ याचिका दाखिल करूंगा। तो ये थे हमारे साथ जावेद सिद्दीकी साहब, जो अपनी बात को यहाँ पर रख रहे थे हमारे साथ जो है, और उनके बेटे के साथ जो एक्सीडेंट हुआ है उसका तो हम सबको जो है दुख है, और इनका कहना है कि कालसेकर हॉस्पिटल में जो है उसमें लापरवाही बरती गई, ना तो एम्बुलेंस था वहाँ पर जगह पर और ना ही डॉक्टर अवेलेबल थे, और जिसके कारण मेरे बच्चे का जो है जो इलाज था वो कुछ भी नहीं हो पाया और वहाँ से मुझे ले जाने में कई घंटे लग गए और उस दरमियान मेरे बच्चे की मौत हो गई। तो बहरहाल ये कालसेकर का भी यहाँ पर इन्होंने आरोप लगाया है और दूसरी तरफ राजनेताओं का भी उसमें षड्यंत्र बता रहे हैं कि उनका भी हाथ हो सकता है, क्योंकि जिस तरह से बेटे की एक्सीडेंट होती है और वो जो है गाड़ी वहाँ पर जगह पर नहीं होती है तो कहीं ना कहीं ये जो है वहाँ पर भी निशाना साध रहे हैं। बहरहाल कानून जो है, कानून पर इन्हें भरोसा है और ये जो है आगे सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और मतलब यानी कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और अपने हर एंगल से हर तरह से कोशिश करेंगे अपने बच्चे को न्याय के लिए। और इसी के साथ समाज राजनीति से जुड़ी हुई खबरों को देखने के लिए देखते रहे प्रहार टाइम्स।